Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. And welcome to Cosmont International School. So, students, today our subject is maths, and today we will continue our chapter odd numbers. हमने क्या किया था बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर हमने odd numbers को समझा था, right? Odd numbers कौन से numbers होते हैं, right? उसको समझने के बाद कुछ हमने exercise की थी हमारे page number 15 पे and 16 पे हमने कुछ numbers 5 ऐसे numbers learn किए थे जो कि odd number होते हैं, right? सो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करके देखेंगे. सो एक बार रिवीजन के लिए हम ऊपर वाला पोर्शन हमारा देख लेते हैं. एंड ओड नंबर हैज, मैंने आपको जैसे कि बताया था जो ओड नंबर्स होते हैं उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, उस ओड नंबर्स के 5 डिजिट्स होते हैं. और वो क्या है, हमेशा राइट मोस्ट डिजिट ही हम उसको लेके चलते हैं. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल 27 में आपके पास क्या है, 7 नंबर आपका क्या है, ओड नंबर है. सो आपका 27 क्या होगा, ओड नंबर होगा. ऐसे ही अगर मैं एक एग्जाम्पल लू 63 में क्या होगा, 63 भी एक ओड नंबर ही है, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 इज अ ओड नंबर, ठीक है, तो वो क्या होगा, ओड नंबर हो जाएगा, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की. आइडेंटिफाई द ओड नंबर्स इन ईच नंबर सेट, हमें आइडेंटिफाई करने हैं ओड नंबर्स को इन दिए गए नंबर्स में से ईच सेट के अंदर है जो कि राइट ओ बिलो देम इन द सर्कल गिवन. कि आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना ओड नंबर्स इन ईच नंबर सेट, इन ईच नंबर्स के अंदर हमें उस नंबर को पहचानना है. राइट क्या करना है, हमें ओ लिखना है बिलो देम इन द सर्कल गिवन, गिवन दिए हुए सर्कल के अंदर हमें से लिखना है, ओके. सो फर्स्ट इज 4040. अब आप ये देखोगे कि लास्ट में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो हमने ऊपर लर्न किया था 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से तो कोई भी डिजिट लास्ट में नहीं, इट मींस ये कौन सा नंबर है, इवन. तो अब हमें इसे नहीं देखना है, अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे 4344. इसका राइट मोस्ट मतलब राइट साइड वाला डिजिट कौन सा है, 3. और जो 3 डिजिट है वो क्या है, हमारा ओड नंबर में आता है. जो 3 डिजिट है वो क्या आता है, हमारे ओड नंबर में आता है. तो 43 क्या है, हमारा ओड डिजिट है, ओके. ऐसे ही हम हमारा नेक्स्ट देखेंगे 65 एंड 63. 5 इसमें आ रहा है, इन डिजिट्स में आप देखेंगे जो हमने लर्न किए थे 1, 3, 5, 7, 9, यस आ रहा है. 5 क्या है, एक ओड नंबर है. हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओ लिख दिया क्योंकि वो एक ओड नंबर है. 63, जो 63 है वो क्या है, लास्ट का जो 3 डिजिट है ये कौन सा डिजिट है, ओ डिजिट है. क्योंकि जो हमने 5 डिजिट लर्न किए थे उनके अंदर ये नंबर आ रहा है राइट, उसके अंदर ये नंबर आ रहा है तो ये कौन सा डिजिट है, ओ डिजिट है, राइट. तो ऐसे ही हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे 1919. जो 9 नंबर है ये कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, यस ये एक ओड नंबर है. तो ये कौन सा नंबर हुआ, ओड 1919, क्योंकि 9 जो है वो 5 डिजिट्स में आ रहा है तो वो एक ओड नंबर है. तो 22 नहीं, क्योंकि 2 लास्ट में जिसके आता है वो इवन नंबर होता है और ये इवन नंबर हमें यहाँ पे करना ही नहीं है. नेक्स्ट में चलेंगे 3232. 2 कहाँ आता है, इवन में, तो हमें यहाँ पे नहीं लिखना. 4040, 0 भी उसी में आता है जो इवन होता है, ओके. सो हम उसको भी नहीं लिखेंगे. उसके बाद 75. अब 5 आप इतने बोलोगे मैम सो 5, क्योंकि 5 तो ओड नंबर में आता है. सो 75 के नीचे हम क्या लिख देंगे, ओ, ओके. 80, 0 तो सब बच्चों को पता है कि 0 तो इवन नंबर्स में आता है, राइट. ऐसे ही हम सेम हमारा नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज देखेंगे 4242. 2 किस में आता है, जो लास्ट में होता है, ओके. जो क्या होता है, लास्ट में, और जो इवन में आता है तो इसलिए ये इवन नंबर है. 48, 8 भी इवन में आता है तो ये भी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है. 50, 0 भी इवन में आता है. अभी आप बोलोगे मैम अभी आपने तो बताया था कि 0 इवन में आता है, तो अभी आप ही पूछ रहे हो, ओके. सो 55, 55, 5 किस में आता है, जो
ओड नंबर्स होते हैं, राइट मोस्ट डिजिट इसका क्या है? फाइव. फाइव क्या है? ओड नंबर है, तो इसलिए हम नीचे लिख देंगे ओ. 36, 36, 6 इवन में आता है, राइट. सब बच्चे इंटेलिजेंट है. 9 किस में आता है? ओड में, यस. ऑल स्टूडेंट्स आर राइट हियर. यहां लिखेंगे ओ. 26, 26, यस यू आर राइट. ये भी इवन है. 2, 8, 28 ये भी इवन है. ओके, सो आज की हमारी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है. आपको इसकी रिविजन करनी है. सो सी यू सून स्टूडेंट्स.